आगामी लोकसभा चुनावों को देखते हुए कांग्रेस पार्टी द्वारा भी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। आज इसी क्रम में धौलावाटा क्षेत्र में महिला कांग्रेस द्वारा महिलाओं के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष राखी गौतम ने शिरकत की। उनके अजमेर पहुंचने पर महिला कांग्रेस की समस्त पदाधिकारी और जनप्रतिनिधियों द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी द्रौपदी कोहली ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम से महिला सशक्तिकरण और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। साथ ही राहुल गांधी द्वारा निकाली जा रही भारत जोड़ो न्याय यात्रा में महिलाएं भारी मात्रा में शामिल होंगी, इसी को लेकर विचार विमर्श भी किया गया। आज हमारे मन्ना हवेली पर धौलावाटा रोड पर एक कार्यक्रम किया जा रहा महिलाओं से संबंधित, और हमारी महिला प्रदेश अध्यक्ष राखी गौतम जी आ रही है। और ये कार्यक्रम इसलिए रखा गया है कि आने वाले लोकसभा चुनाव आ रहे हैं और महिला सशक्तिकरण की बात चल रही है। महिला सशक्तिकरण पर बहुत काम किया जा रहा है और महिलाओं को अभी 33% आरक्षण भी की भी बात चल दिया गया है, लेकिन अभी लागू नहीं किया गया है। लेकिन हम लोग सब महिला मिलकर ये चाहेंगे कि महिलाओं को जो आरक्षण की बात कह रहे हैं वो आरक्षण लागू किया जाना चाहिए और विधानसभा लोकसभा में समय महिलाओं का आरक्षण लागू किया जाए, इससे कि महिला भी अपना एक अच्छे से भागीदारी निभाए और महिलाएं एक सशक्तिकरण की ओर अग्रसित हो। और महिलाओं का जो ये कार्यक्रम किया जा रहा है तो लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए सभी महिला संगठन यहाँ पर इकट्ठे होकर उस लोकसभा के चुनाव की तैयारी के लिए सब लोग अपने इकट्ठे एकत्रित हुए और सुझाव देंगे और अपने लोकसभा में किस तरह से हम बहुत अच्छा कर सकते हैं पार्टी के लिए वो एक हम डिस्कस करेंगे और वो उसके ऊपर मंथन होगा। और दूसरा, जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है राहुल गांधी जी की, उस न्याय यात्रा में सब महिलाएं भी सम्मिलित होंगी जाकर, तो कब कहाँ कैसे सम्मिलित हो उस पर भी एक चर्चा होगी, परिचर्चा होगी। और जो मेघालय से लेकर और बॉम्बे तक जो न्याय यात्रा, उस न्याय यात्रा का सपोर्ट करने के लिए सब महिलाएं जाएंगी, यही आज हमारा कार्यक्रम है। और इसीलिए राखी गौतम जी आ रही हैं और सभी महिलाओं, ये कार्यक्रम मन्ना हवेली पर कार्यक्रम रखा गया है धौलावाटा रोड पर, और हमारे उनका भी धन्यवाद देंगे जो मन्ना हवेली के जो यहाँ ओनर है वो समय समय पर हम लोगों को बहुत सहयोग करते हैं और हमारे हर कार्यक्रम के लिए हमें ये जगह। पहले तो मैं आप सब मीडिया वालों की बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप लोग समय समय पर आके हमको सशक्त बनाते हैं। अब दूसरी बात यह है कि जहाँ तक राखी गौतम जी का सवाल है, वो भी अभी 1 साल 1.5 साल हुआ है उनको बने हुए, और वो क्या अभी तो सारी कांग्रेस का जो दिमाग चल रहा है वो महिला संगठन पे चल रहा है, क्योंकि अगर हमारी महिला संगठन सशक्त है, स्ट्रांग है, तो वो कई चीज़ें ऊपर ला भी सकती हैं अपनी प्रॉब्लम्स को और कर भी सकती हैं। जहाँ तक विधानसभा का पहले सवाल था, हमारी द्रौपदी जी ने कोई बहुत कब से हारी हैं, वो भी हमारे लिए एक सशक्तिकरण है, क्योंकि महिला को सीट दी और उनका इतना मतलब इज्जत दी कि एक आम महिला को उन्होंने टिकट देके ये साबित कर दिया कि लोकसभा में भी हम सशक्त रहेंगे, स्ट्रांग रहेंगे, और हम यही चाहेंगे कि अच्छी महिला को फिर से अच्छी सीट मिले। द्रौपदी जी को वापस मिल जाए तो हम कह नहीं सकते, लेकिन हाँ, हो सकता है, हम में से बहुत हैं जो एलिजिबल हैं। अब रही संगठन की बात, जो हमारी न्याय यात्रा राहुल गांधी जी निकाल रहे हैं, अभी मणिपुर से चले हैं, बॉम्बे में ख़त्म होगी, तो वो कोई आम यात्रा नहीं है, वो इस चीज़ को दर्शाती है कि कांग्रेस हार के भी जीतेगी और वो ऊपर आएगी, और एक समय आएगा जब अच्छे अच्छे को वो पानी पिला देंगे। ये तो बात सही है। और आज का जो हमारे यहाँ हवेली पर जो उनके आगमन का हम लोग वेट कर रहे हैं राखी गौतम जी का, वो बहुत ही अच्छी तरह से उनका हम स्वागत करेंगे। अजमेर में पहला उनका विजिट है और बहुत अच्छी तरह स्वागत करेंगे, यही मेरे को कहना है।